नमस्कार शाक्स। नमस्कार। मैं श्रुति रेड्डी, 36 इयर्स, पिछले 6 साल से अंत्येष्टि फ्यूनरल सर्विसेज चला रही हूँ। अंत्येष्टि मीन्स लास्ट राइट्स इन संस्कृत। अंत्येष्टि फ्यूनरल सर्विसेज इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल पोस्ट डेथ रिलेटेड राइट्स लाइक फ्रीजर बॉक्स, हर्श वैंस, जिसमें बॉडी को हम लोग घर से क्रिमेशन घाट तक लेके जाते हैं, सामग्री, फ्यूनरल पंडित्स एंड अस्थि विसर्जन, पितृ कार्यास, हम लोग सब कुछ फ्यूनरल सर्विसेज का हम लोग कराते हैं। पिछले 6 साल में हम लोगों ने करीबन 5000 प्लस फ्यूनरल्स कराया है। वी आर राइट नाउ प्रेजेंट इन 25 सिटीज एंड अक्रॉस 7 डिफरेंट कंट्रीज। हम अगले 5 साल में अंत्येष्टि को हाउसहोल्ड नाम बनाना चाहते हैं और इस चीज के लिए मैं शार्क से 50 लाख मांग रही हूँ फॉर 2.5% स्टेक इन माई कंपनी। जैसे ब्रांड जेरोक्स सिनोनिमस है फोटोकॉपिंग से, मेरी इच्छा ये है कि मृत्यु, मोक्ष और मुक्ति से समानार्थक बने अंत्येष्टि। थैंक यू शार्क्स। तो श्रुति, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। रेवेन्यू मॉडल मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। राइट नाउ वी आर वर्किंग प्योरली ऑन एग्रीगेशन मॉडल मैम। ओके, तो आप खुद की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती हैं, यू सिंपली एग्रीगेट फ्रॉम अदर पीपल। यस सर, एक्चुअली हम लोग ने शुरू किया था खुद की सर्विस प्रोवाइड करना कोलकाता में, बट मैंने ये चीज देखा है कि अगर स्केल करना है तो एग्रीगेशन मॉडल में ही जाना बेटर है सर। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ 6 इयर्स बैक, तब शायद हम लोग बस 5-6 लोग थे। आज 2 कोविड वेव्स के बाद करीबन 35 लोग हैं स्पेस में। 35 पीपल मतलब 35 कंपेटिटर्स हैं आपके? हाँ जी। श्रुति, जब आपने स्टार्ट किया तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज इम्पॉर्टेंट है और आपको करना चाहिए? मैंने ये चीज देखा है कि व्हेन यू लूज समवन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ग्रीव करना है, पर जब अभी ये सर्विस में जब कोई प्रॉपर सा प्रोफेशनल सा एजेंट नहीं है तो क्या होता है कि फैमिली को ये सब चीजें करना पड़ता है। और मैंने ये चीज भी देखा है कि इट्स लाइक अबाउट 1.2 बिलियन पीपल है, उसमें से अगर 9% डेथ रेट है, अगर उसमें से इवन इफ आई टेक जस्ट अर्बन डेथ्स लाइक अबाउट 25% डेथ्स भी अगर मैं लेती हूँ तो उसमें से आवर मार्केट इज लाइक रियली कमिंग टू क्लोज टू यू नो $1 बिलियन। श्रुति, आपकी रेवेन्यू क्या है? तो हमारी लास्ट ईयर की रेवेन्यू रही है 1.16 करोड़ सर। अच्छा। उससे पहले जब हम लोग स्टार्ट किए हैं इट वाज अबाउट 12 लाख, देन वेंट टू 22.5 लाख, फिर वहां से गई थी 55, 65 एंड देन टू 1.16 सर। और दिस ईयर फॉर FY22 वी विल बी हैविंग अ रेवेन्यू ऑफ अबाउट 2 करोड़। आई वुड लाइक टू शेयर हियर ऑन द टैंक इज दैट इसमें मार्जिन हमारे 50% तक बनते हैं। तो 2 करोड़ में आपका 1 करोड़ का मार्जिन होगा इस साल। हाँ। और नेट प्रॉफिट अबाउट 6% ऑफ इट सर। कहां जाता है बाकी पैसा? इट इज मोस्टली इन सैलरीज एंड मार्केटिंग। तो ये कस्टमर एक्विजिशन में जाएगा ना? हां जी। इस बिजनेस में प्रॉब्लम यही है ना, आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी तो आप उसको ये भी नहीं बोल सकते यार कोई और मर जाए तो बताना, रेफरल तो नहीं कर सकते ना भाई, रेफरल कर देना अगली बारी या आप रिश्तेदार में या मेरे पे रिव्यू छोड़ देना, तो ये तो हो नहीं सकता सर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉमन दैट माय स्टार्टअप एंड अनुपम सर शादी.com स्टार्टअप आल्सो शेयर्स कि हम दोनों की बिजनेस में लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स लिटरली जीरो। दो बंदों की शादी होगी शादी.com पे, दोनों जाके बोलेंगे यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलने वाला। हमारा ट्रैफिक 70% ऑर्गेनिक है। तो इनफैक्ट हमारे बिजनेस में भी काफी सारा ट्रैफिक हमको रेफरल से आता है, बिकॉज़ जब भी हम लोग कोई भी सर्विस देते हैं तो डेफिनेटली लोग उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, इज देयर रियली सच अ बिग प्रॉब्लम? देखो, जनरली व्हाइल इमीडिएट फैमिली को बड़ा दुख होता है और वो सिचुएशन में नहीं होते कुछ कर सके, लेकिन हमेशा फ्रेंड्स और कजिन्स होते हैं जो ये काम ले लेते हैं इमीडिएटली। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई मारा मारा फिर रहा है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। शायद NRI में ज्यादा प्रॉब्लम है। आने वाले समय में जितने न्यूक्लियर फैमिली हो गए सर, और लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बैंगलोर में काफी बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, जैसे आईटी पीपल एंड ऑल, सभी आते हैं ना, यू नो लॉजिस्टिक्स है, ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ होती है। इंडस्ट्री बोलने का मतलब है इंडस्ट्री थोड़ी फ्रेगमेंटेड नेचर की है, इसको कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं आप NRI के लिए नीश बिजनेस बना सकते हैं, वहां पे आप काफी प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के नजरिए से थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। मैंने श्रुति अपना डिसीजन बना लिया है, आप शार्क टैंक में आने वाले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटरप्रेन्योर्स लग रहे हो मुझे, ठीक है? हर चीज का आपको पता है क्या मार्केट साइज है, और 2 करोड़ का बिजनेस बनाना विद 1 करोड़ ग्रॉस मार्जिन इज नॉट इजी, ठीक है? आपको इसको स्केल करना चाहिए, थोड़ा सा अपना मार्जिन और बेटर करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये 50 की जगह 70% पे पहुंचेगा तो आपको ये 6% नेट प्रॉफिट की जगह 25% नेट प्रॉफिट मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस है, इसलिए मैं बाहर। तो श्रुति, मेरा व्यू भी सिमिलर है, मैं भी आउट। अगर मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ तो मैं बोलूँगा कि एक सिंपल नाम रख लो, ताकि मुझे किसी को दूसरे को बताने में, आज मैं यहाँ से भी जाऊँगा तो मुझे शायद मैं भूल जाऊँ। ग्रेट अप, ग्रेट पॉइंट, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ऐसा कुछ रखोगे ना इजी, जैसे एक कंपनी किसी ने खोली makaan.com, यू नो व्हाट आई मीन, वो मैंने ही खोली। हाँ, तो ऐसे ऐसे कंपनी का नाम रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मेरा मानना ये है
कि आप एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो जो प्रॉब्लम ही नहीं है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप इतनी स्मार्ट है कि आपको अपने आप को ऐसे एरिया में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे और कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। इसमें आप बिजनेस जरूर बना सकती हैं, लेकिन आप इस दुनिया में इससे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, आप में उतनी क्षमता है। तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है सर, थैंक यू। श्रुति, इट्स एन एरिया जहाँ आई एम नॉट वेरी कम्फर्टेबल, थोड़ा सा यू नो एक नेगेटिव एनर्जी जैसी फील होती है, फॉर दैट रीजन, पर्सनल रीजन आई एम आउट। मेरे को डेथ से इतना वो अनइजीनेस नहीं लगता है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट टाइप है मेरा व्यू। बट मैं ना बहुत एग्रेसिव हूँ बिजनेस को लेके, मैं आपको बोलूंगा टाइम बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओ, राइट, बट इट इज लाइक होपिंग फॉर बैड थिंग्स टू हैपन इन सम सेंस। मतलब मैं किसी के मरने पे पैसा नहीं बनाना चाहूंगा। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत सही है, एकदम गॉथिक लुक है, ऐसे लग रहा है यमराज खुद आए हैं लेने। बट यू वे स्मार्ट, सॉल्व द अनसॉल्व्ड, राइट, डोंट ट्राई टू सॉल्व द लास्ट राइट, वो हो गया, खत्म है बंदा। ओके, ऑलराइट सर, ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग टू शॉर्ट टैंक।